दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें कई एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ शादीशुदा होने के साथ साथ अपनी निजी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश नजर आते हैं। तो वहीं उन्हीं में से कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो शादी करने के कुछ समय बाद एक दूसरे से डाइवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं, जिनके डाइवोर्स लेने के पीछे हमें अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों का डाइवोर्स होने का सबसे बड़ा कारण फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी अभिनेत्रियों को माना जाता है, क्योंकि वो शादीशुदा जोड़े के बीच आ जाती है और उनके रिश्ते को तोड़ देती हैं। तो इसलिए आज हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जिनका नाम लिया जाता है घर तोड़ने के लिए। नंबर एक, फातिमा सना शेख। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री फातिमा सना शेख का, जो फिल्म दंगल में अभिनेता आमिर खान की बेटी के रूप में हमें नजर आई, और इन्हें आज अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के तलाक का मुजरिम माना जाता है। इन पर आरोप है कि इनकी वजह से फिल्म एक्टर आमिर खान का उनकी वाइफ से डिवोर्स हो गया। सभी का ये मानना है कि इनके और आमिर खान का अफेयर चल रहा है। नंबर दो, बरबरा मोरी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री बरबरा मोरी का, जिन्हें ऋतिक रोशन के तलाक के लिए दोषी माना जाता है, क्योंकि फिल्म काइट्स में एक साथ काम करते हुए दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और इस दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, जिसके चलते दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों जल्द ही एक हो जाएंगे। इसे ऋतिक रोशन ने अपनी वाइफ सुजैन से दूरियां बना दी, ताकि वो अपनी वाइफ सुजैन को हटाकर दूसरी बरबरा को अपनी जगह ला सके। नंबर तीन, यामी गौतम। अब हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे फेमस एक्ट्रेस यामी गौतम के बारे में, जिनका नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है, जिन्हें एक्टर पुलकित सम्राट के डिवोर्स के जुर्म में दोषी माना जाता है। इनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब दोनों की मुलाकात एक अवार्ड फंक्शन में हुई थी, तब दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था, जिसके बाद से अभिनेता सम्राट पुलकित ने अभिनेत्री यामी गौतम को डेट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। साथ ही खबरें ये भी आ रही थी कि सम्राट ने शादीशुदा होने के बावजूद भी अभिनेत्री यामी गौतम के घर प्रपोजल भेजा था। उन्होंने फैसला किया था कि यामी गौतम की फैमिली जैसे ही उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी, वो तुरंत अपनी वाइफ से रोही से डाइवोर्स लेंगे और यामी गौतम को अपनी पत्नी बनाएंगे। नंबर चार, हेमा मालिनी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी को भला कौन नहीं जानता। इनका नाम घर तोड़ने वाली अभिनेत्रियों में लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी शादीशुदा धर्मेंद्र के साथ अपनी प्रेम कथा शुरू की, और ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा हैं, पर इन्होंने अपने प्यार में इस कदर उनको दीवाना किया कि इन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी से धर्मेंद्र को छीन लिया और उनसे शादी करके अपना घर बसा लिया। नंबर पाँच, श्रीदेवी। सबसे आखिर में अब हम बात करें अभिनेत्री श्रीदेवी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता है। इन्हें भी घर तोड़ने वाली अभिनेत्री में से एक माना जाता था, क्योंकि जब इन्होंने बोनी कपूर के घर में उनकी बहन बनकर एंट्री ली थी, तब इन दोनों के बीच में भाई बहन का प्यार था, पर कुछ समय बाद इन्होंने अचानक बोनी कपूर से शादी कर सभी को चौंका दिया। तभी से दर्शकों का मानना है कि इन दोनों का अफेयर काफी पहले से था, पर जब बोनी की पहली वाइफ को इनके अलावा अफेयर के बारे में पता चला, तब वो अपने पति बोनी कपूर को छोड़ चली गई। उन्होंने बोनी कपूर को कभी डिवोर्स नहीं दिया, वो नहीं चाहती थी कि दोनों कभी एक हो। उसके बावजूद भी अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने हस्बैंड से शादी करके उनका घर तोड़ दिया। दोस्तों, आपको घर तोड़ने वाली उन पांच अभिनेत्रियों के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।